11 बजे के बाद भी समय से नहीं पहुंचे डॉक्टर। अस्पताल में टूटी बिल्डिंग और गंदगी का अंबार लगा हुआ। सीएमओ डॉक्टर राजेश कुमार झा नहीं दे रहे ध्यान। नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरोरा का मामला सामने आया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चिंतित है, लगातार जनपदों का दौरा कर रहे हैं और ये आदेश दे रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हों। लेकिन मैं इस वक्त मौजूद हूं देवरिया के नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरोरा, जो एकदम सुदूर बिहार बॉर्डर पे है। मैं आपको बताते चलूं कि ये तकरीबन 12 बजने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो यहाँ के डॉक्टर हैं यहाँ से नदारद हैं। देखिए, मैं आपको दिखाऊँ कि इनकी कुर्सियाँ किस तरह से खाली पड़ी हैं और मरीज इनका इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाऊंगा कि देखिए किस तरह यहाँ पे जो फार्मासिस्ट साहब हैं, फार्मासिस्ट साहब तो इलाज के लिए बैठे हुए हैं और देखिए किस तरह यहाँ पे लोग बैठे हैं, लेकिन मरीज डॉक्टर का इंतजार कर रहा है। जहाँ एक तरफ कोविड का भी प्रकरण जो देखा जाए तो लगातार है और स्वास्थ्य विभाग जो है ये कह रहा है कि मैं कोविड से पूरी तैयारियां कर लिया हूँ, लेकिन मेरे साथ फार्मासिस्ट साहब हैं, मैं इनसे जानूंगा कि यहाँ डॉक्टर साहब कहाँ हैं। सर ये बताइए, आपके डॉक्टर साहब अभी तक क्यों नहीं आए हैं? बता रहे थे कि गाड़ी पंचर हो गई है। अभी कहाँ है वो? रास्ते में है। कब तक आ जाते हैं? आ जाते हैं 10 बजे, 10:15 तक। अभी नहीं आए? ना, गाड़ी पंचर हो गई बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा RP राय। ये देखिए इतने फार्मासिस्ट, इनका साफ तौर से कहना कि डॉक्टर की गाड़ी पंचर हो गई अभी तक नहीं आई है, तो पूरा देखा जाए तो पूर्ण रूप से बहाना बनाया जा रहा है। दूसरी तस्वीर आपको दिखाऊं कि अस्पताल आज भी जुगाड़ के भरोसे चल रहा है। ये जो कुर्सियां हैं देखिए, जो इनके स्टैंड है टूट चुके हैं और ईंटे के भरोसे से जो है इस कुर्सी को बनाया गया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि ब्रजेश पाठक लगातार भले ही प्रयास कर रहे हों, लेकिन इनके विभाग के जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और डॉक्टर हैं उनको पलीता लगाने में लगे हुए हैं। देवरिया से भारत समाचार के लिए मनीष मिश्रा। वहीं चंदौली में